बड़ी खबर सागर से आ रही है, जहां 27 सितंबर को रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला है। आपको बता दें, सागर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 27 तारीख को रीजनल कॉन्क्लेव होगा, जिसके बुंदेलखंड में निवेश का दायरा बढ़ेगा। 10 सेक्टर में 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें, सागर में पहली बार ये आयोजन हो रहा है। बड़ी खबर सागर से आ रही है। आपको बता दें, सागर में 27 सितंबर को रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला है। बड़ी खबर सागर से, 27 तारीख को बुंदेलखंड में निवेश का दायरा बढ़ेगा। इसके वजह से, रीजनल कॉन्क्लेव की वजह से बुंदेलखंड में निवेश का दायरा बढ़ेगा और बीना रिफाइनरी का विस्तार किया जाएगा, इससे रोजगार बढ़ेगा। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है बुंदेलखंड से, 10 सेक्टर में 20,000 रोजगार मिलेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर, 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सागर में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। सागर में 27 सितंबर को रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बुंदेलखंड में निवेश का दायरा बढ़ जाएगा। बड़ी खबर सागर से आ रही है, 10 सेक्टर से 20,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। आपको बता दें, इस रीजनल कॉन्क्लेव की वजह से 10 सेक्टर में 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बीना रिफाइनरी का विस्तार किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोगों को रोजगार बढ़ेगा और सागर में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर सागर से आ रही है। रीजनल कॉन्क्लेव सागर में होने वाला है, 27 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी वजह से बुंदेलखंड में निवेश का दायरा बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।